आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। कार्तिक मास में किन उपायों को करने से हो सकती है आपके जीवन की बाधाएं समाप्त? माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए कार्तिक माह में करिए इन उपायों को। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। सनातन धर्म में हर महीने का अपना अलग महत्व होता है, वही कार्तिक महीने को देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए विशेष माना गया है। कार्तिक मास में माता लक्ष्मी जी की कृपा के लिए दीपावली जैसा बड़ा पर्व मनाया जाता है, फिर भी कार्तिक मास में हर दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय किए जाने चाहिए। कार्तिक मास में हर दिन रात्रि के समय भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा करें। गुलाबी या चमकदार वस्त्र धारण करके उपासना करें। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय श्री कृष्ण अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूली। कार्तिक का यह महीना स्नान दान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा कार्तिक मास में विष्णु जी और तुलसी माता की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में तुलसी पत्र से श्री विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक महीने के दौरान शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए, इससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही कार्तिक मास में इन खास उपायों को करने से जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती है। जानकार विद्वानों के अनुसार अगर आप बेहतर करियर बनाना चाहते हैं या अपने व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो कार्तिक महीने के दौरान आप किसी मंदिर में घी का दान करें और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो पूरे कार्तिक मास के दौरान विष्णु मंदिर जाएं और घी का दीपक जला, साथ ही इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओ नमो भगवते नारायणाय। अगर आपके मन पसंद विवाह करने में रुकावटें आ रही है, तो कार्तिक महीने के दौरान स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और दोनों हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें। साथ ही विष्णु भगवान को पीले पुष्प जरूर अर्पित करें। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में सुख ही सुख लाना चाहते हैं, तो कार्तिक महीने के दौरान तुलसी जी के पौधे के चारों ओर चार केले के पत्तों से सुंदर मंडप बनाएं, तुलसी जी को लाल चुनरी चढ़ाएं, साथ ही सुहाग का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर, बिछिया आदि चढ़ाएं, फिर जल, अक्षत, रोली और द्रव्य से विष्णु जी की पूजा करें और बतासे का भोग लगाएं, साथ ही घी का दीपक जलाएं। अगर आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं रहता, जिसके वजह से आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहते, तो कार्तिक महीने के दौरान तुलसी के पौधे की सेवा करें। तुलसी के पौधे में रोज जल चढ़ाएं और उसकी देखभाल करें। साथ ही तुलसी के आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखें। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में जीत यानी विजयश्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो कार्तिक महीने के दौरान स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु जी को चंदन का तिलक लगाए, साथ ही ताजे पीले फूल चढ़ाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि और संपन्नता आए, तो पूरे कार्तिक महीने के दौरान भगवान श्री विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और श्री विष्णु जी के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओ नमो भगवते नारायणा। अगर आपका या आपके परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, तो कार्तिक महीने के दौरान स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाए और ओ नमो भगवते नारायणाय बोलते हुए 5 बार तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। अगर आपकी शादी में कुछ परेशानी आ रही है, तो 5 गोमती चक्र और 1 हल्दी की गांठ लेकर घर के मंदिर में स्थापित करें। कार्तिक महीने के दौरान रोज उनकी धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें। साथ ही भगवान से अपनी शादी में आ रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। कार्तिक का महीना समाप्त होने के बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक पीले रंग की पोटली में बांधकर अपने पास रख ले और हल्दी को उपयोग में ले ले। अगर आप अपने व्यापार में मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं, तो कार्तिक महीने के दौरान पानी में थोड़ा सा गंगाजल डालकर स्नान करें। साथ ही विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाए और भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाए और भोग लगाने के तुरंत बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों को दे और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर ले। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, तो कार्तिक महीने के दौरान स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे के साथ ही केले के पौधे में भी जल चढ़ाए, साथ ही तुलसी के पौधे के तने पर हल्दी का लेप लगाए।
अगर आपका तंत्रिका तंत्र इम्यून सिस्टम कमजोर है तो कार्तिक महीने के दौरान स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और तुलसी की पत्तियों का सेवन करें। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए, उसे केवल पानी के साथ निगल लेना चाहिए। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय श्री कृष्ण अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।